54वें राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ सोमवार को हिसार स्थित महावीर स्टेडियम में हुआ। खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल अंडर 17, अंडर 19, कबड्डी और अंडर 17 योगा प्रतियोगिताएं छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की गई हैं। वॉलीबॉल में मेवात की टीम को छोड़कर बाकी सभी आयु वर्ग के सभी जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया है। खेल प्रतियोगिता 19 से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगी। डीईओ ऑफिस इंचार्ज कुलदीप नैन ने बताया कि 54वें राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक हिसार के महावीर स्टेडियम में किया गया है। नैन ने बताया कि सभी टीमों के रहने की व्यवस्था निजी एवं सरकारी स्कूलों में की गई है। कुलदीप नैन ने बताया कि जिला प्रशासन ने खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्था की है। उनके भोजन की व्यवस्था खिलाड़ियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते से खिलाड़ी स्वयं करेंगे। उन्होंने बताया कि समापन पर मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त हो सकते हैं। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? कुलदीप नैन, इंचार्ज डी ऑफिस। सर, सर ये जो गेम हो रहे हैं टीमों के गेम, शिक्षा विभाग के द्वारा 54वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन महावीर स्टेडियम हिसार में किया जा रहा है, जिसमें वॉलीबॉल अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे पीछे वॉलीबॉल के जो मैचेस हैं दोनों इस ग्रुप के चल रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के, और अंडर 19 कबड्डी के मैचेस हमारे हैंडबॉल ग्राउंड पे चल रहे हैं, और योगा अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स के मैचेस हमारे फैसिलिटी सेंटर हॉल में चल रहे हैं। जी सर, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है कुल मिलाकर? पूरे हरियाणा प्रदेश से लगभग हर एज ग्रुप में लगभग सभी टीमें, एक मेवात की टीम एक उसमें नहीं आई है वॉलीबॉल में, बाकी लगभग सभी टीमें, सभी राज्य के पूरे जिला स्तर की ये जो जिला है सभी ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। कितने दिन चलने वाला है? 3 दिवसीय खेल हैं जो 19, 20 और 21 को चलेंगी, और आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमती नीता अग्रवाल जी ने सुबह उद्घाटन किया इनका खेलों का, और एईओ श्री महेंद्र बहादुर जी, हमारे वॉलीबॉल के इंचार्ज हैं श्री कुलवीर सिंह जी, सतगुर फौजी जी हमारे साथ में हैं जो फौज साहब हैं, और योगा के इंचार्ज हमारे सुनील जी हैं, कबड्डी के इंचार्ज सतीश पुनिया जी, सुरेंद्र जी, देवेंद्र जी, सभी हमारे सभी जिला के जितने भी ऑफिशियल हैं, और चंडीगढ़ विभाग से पंचकुला से जिनकी भी ड्यूटी लगी है सभी अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। सभी रहने की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में की गई है बच्चों की। सर, रहने के स्थानों से लेकर महावीर स्टेडियम तक आने के लिए भी क्या कोई प्रबंध किए गए बच्चों? रहने के स्थानों की जहाँ तक बात है, वहाँ शिक्षा विभाग द्वारा ऑलरेडी सभी एईओज को मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और सभी मेल्स के द्वारा उनको सूचित कर दिया गया था, और सभी टीमों के लिए गद्दों की व्यवस्था, चटाई की व्यवस्था, दरी की व्यवस्था हमने की है, और बच्चे वहाँ पे बखूबी रह भी रहे हैं, रात को भी वहाँ रुके हैं आराम से, और सभी प्रिंसिपल्स की और DPPTs की ड्यूटी है, लेडीज़ में सभी हमारे लेडीज़ DPs की ड्यूटी है, लेडीज़ जहाँ अकोमोडेशन है खास करके प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था हमने की है। और जहाँ तक बात है खाने की बात है, जो शिक्षा विभाग द्वारा खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता है जो है वो 125 रुपये से 200 रुपये तक बढ़ाया गया है, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है सरकार के द्वारा, और 200 रुपये जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उन बच्चों को देकर यहाँ खेलों के माध्यम से यहाँ पे भेज रहा है बच्चों को देके, खाने की व्यवस्था उनकी खुद की होती है, रहने की व्यवस्था हमने की है और ग्राउंड हमने प्रोवाइड की है। सर, समापन के दौरान भी क्या कोई समारोह या कोई बड़ी बड़े नेता या वगैरह के आने की? शिक्षा अधिकारी महोदया मैडम से बात कर रहे हैं कि अगर DC साहब अगर अवेलेबल होंगे, टाइम होगा उनके पास, तो उनके द्वारा समापन समारोह की हमारी कार्यक्रम की जो व्यवस्था की जाएगी, और अदरवाइज़ हमारे AEO साहब यहाँ मौजूद रहेंगे 3 दिन लगातार, उनके द्वारा ट्रॉफीज़ विजेता खिलाड़ियों के लिए दी जाएंगी, और कैश प्राइज़ की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की है, जीतने वाली एक खिलाड़ी को फर्स्ट जो पोजिशन आती है उसको 1,000 रुपया, सेकेंड को 750 और थर्ड को 500 रुपये पर खिलाड़ी को दिए जाते हैं, जो सारा शिक्षा विभाग द्वारा बजट डाल दिया गया है DO के खाते में। जी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।